जय माँ भवानी। सिंह राशि जातकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के सिंह राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 16 मार्च 2023 गुरुवार का दिन है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष आज नवमी तिथि है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है और अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:37 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा आज सुबह 5:57 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी धनु राशि पे। आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा 6:05 से लेकर 7:33 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के सिंह राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि के जातकों, आज बड़ा संकट, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा भारी है, आज संभल के रहें। आज के दिन किसी को उधार कर्जा ना दें और किसी से पैसा लेन देन ना करें। आज सिंह राशि के जातकों किसी से बहसबाजी करने से बचें, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखें और इम्पोर्टेंट फैसला लेने से बचें। आज के दिन सिंह राशि को आज कोई महत्वपूर्ण कार्य जो काफ़ी दिनों से अधूरा था, पेंडिंग था, उसे पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए काफ़ी है, यानी कि भागदौड़ बनी रहेगी, मेहनत से भरा रहेगा। जिनका एग्जाम चल रहा है काफ़ी टफ रहेगा, हालांकि मेहनत करना पड़ेगा। और आज आपको अपने करियर घरेलू जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। आज आपको मेहनत और परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेंगे, भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे। आज के दिन थोड़ा सा भारी है। आज आपको मेहनत और परिश्रम के बल पर ही कामयाबी हासिल करना है। आज बड़ी कंपनी से आपको ऑफर हालांकि आ सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहां पर थोड़ी सी आपको कोई भी काम आज मिल सकता है। साथ ही साथ आज स्टाफ के लोगों के साथ बहसबाजी ना हो, किसी के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उच्च अधिकारियों के साथ बहसबाजी करने से बचें और उनके मान सम्मान का ख्याल रखें। उनके साथ तालमेल बेहतर बना के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज किसी के साथ यानी कि लड़ाई झगड़ा करने से बचें, वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा भारी है। गाड़ी वाहन का प्रयोग कम करें, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना है। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खान पीन की चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। गाड़ी वाहन से चोट चपेट लग सकती है। यात्रा कर रहे हैं, चाहे विदेश की यात्रा हो या फिर कोई यात्रा हो, तो आज अपनी कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करें, वरना चोरी होने का खोने का डर बना रहेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ अच्छे कार्यों में जो काफ़ी समय से नहीं पूरा हो रहा था, उसे पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैसला डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक आज आपको यानी भागदौड़ भी करने पड़ेंगे। लंबे समय से पेंडिंग कामों को भी पूरा कर सकते हैं। आज आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आएगा। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का मौका मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जीवनसाथी से मतभेद ना हो, किसी बात की लड़ाई झगड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में कुछ जमीन प्रॉपर्टी को लेकर उलझने हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और ईगो ना दिखाएं। आज के दिन आज ईगो पर नियंत्रण बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी के साथ बहसबाजी ना करें। हालांकि मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तों में मधुरता तो बनेगी, लेकिन प्रयास भी करने पड़ेंगे। घर में जो अव्याही जातक हैं उनके रिश्ते आएंगे और जिनका पहले से विवाह है वो वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे। यानी आज शुभ मंगलकार भी होंगे और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकता है। कई पूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जीवन साथी के साथ यानी कि आज किसी बात को लेकर मतभेद है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ वाद विवाद ना बढ़े। कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती, किसी तीसरे पक्ष की वजह से आपसी तालमेल गड़बड़ा सकते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षा में अधिक से अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही न करें। स्वास्थ्य में खान पीन की चीज़ों में विशेष ध्यान रखें। यदि आज आपको खान पीन की चीज़ों में ध्यान देना है और खासकर किसी पर भरोसा न करें, बाहरी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, किसी बाहरी व्यक्ति को जिम्मेदारी बिल्कुल ना दें, खुद पर नियंत्रण रखें। खुद पर आज आपको काम करना है और खुद का निर्णय लें। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर मैरून कलर भाग, सातवीं भाव आपका तकरीबन 66%। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।